ओ भाई, 1 घंटा 1.5 घंटा हमने बाहर वेट किया, अब हम 40 से 45 मिनट यहाँ। वो महंगाई जिसके लिए लोग इतना रोना रो रहे होते हैं, कितनी महंगाई, इतना महंगा पेट्रोल, ये सारी चीजें मुझे तो कहीं नजर नहीं आती। वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मी मलाइका। आज मैं खड़ी भी हूँ गुलशन इकबाल में, ब्लॉक 7 में, एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट जहाँ का प्लेटर बहुत ज्यादा मशहूर है। एनी गैसेस? नो गैसेस, देन सी। कहा जाता है कि प्लेटर बहुत फेमस है, इतना क्राउड है, आप बिलीव करेंगे कि हमें अभी 1.5 घंटे की वेटिंग का कहा गया है। हम यहाँ पे 10 मिनट पहले आए थे, 9:25 पर हमें 10:30 बजे अंदर जाने दिया जाएगा। आप इसी से अंदाजा लगाएं कि कितना ज्यादा क्राउड है। ये मेरा सेकंड डे, कल भी आई थी, कल मुझे कोई जगह नहीं मिली थी और आज मुझे अब देखें जगह मिलती है नहीं मिलती। चलते हैं अंदर और आपको ऑनेस्ट ओपिनियन बताते हैं कि यहाँ का फूड कैसा है। बहुत ही इंतजार करने के बाद अब हम आ गए हैं अंदर फाइनली। अब हम वेट ही कर रहे थे कि कोई मेन्यू लाए, तो ये मेरे पास एक बच्चा आ गया है, देखते हैं इसमें क्या क्या है। प्लेटर वैसे तो मैंने प्लेटर ही ट्राई करना है, आप लोग की रिक्वेस्ट है। चलिए जी, बहुत सारी चीज़ें हैं, कबाब प्लेटर, शाही प्लेटर, क्लासिक प्लेटर, देखते हैं हम कौन सा ऑर्डर करेंगे। हम वैसे बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, सिर्फ 2 लोग हैं और शायद एक कोई आ जाए। तो शाजी, क्लासिक प्लेटर देखें, दिस इज फॉर 2 पर्सन। ओ भाई, 1 घंटा 1.5 घंटा हमने बाहर वेट किया, अब हम 40 से 45 मिनट यहाँ वेट करने वाले हैं अपने प्लेटर का। तो मुझे सिर्फ एक बात कहनी थी, वो ये कि 1 घंटा 10 मिनट हम लोगों ने बाहर इंतजार किया और उसके बाद मजीद अभी 40 मिनट हम यहाँ पर और इंतजार करेंगे। हाँ भाई, वो महंगाई जिसके लिए लोग इतना रोना रो रहे होते हैं, इतनी महंगाई, इतना महंगा पेट्रोल, ये सारी चीज़ें मुझे तो कहीं नज़र नहीं आती। भाई, एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए 1.5 घंटा इंतजार करना पड़ रहा है, मुझे तो कहीं नज़र नहीं है भाई, आप लोगों को नज़र आए। आ गया है हमारा ये मज़ेदार सा प्लेटर, इसको ओपन करते हैं। ओके जी, अब इसको हम ट्राई करके देखते हैं। इसमें तो पहले मैं बता दूं कितनी तरह के कबाब हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-7 तरीके के यार ये कबाब हैं और ये बीच में इसके चावल हैं। ट्राई करते हैं। मैं तो करती हूँ अपनी इस लेग पीस को इंजॉय, फिर बताती हूँ आपको। बहुत ही मुश्किल लगता है भाई खाना छोड़ के वीडियो बनाना, का ये हाल हो चुका है और मैं हाथ साफ कर चुकी हूँ। अच्छा, लजीज खाना था ये सब, मैंने नहीं खाया शाजेब के साथ, तो ये सब मैं सोचेगा कि ये पूरी थाली मैंने खाई। लजीज खाना था, बहुत मजे का, ऑनेस्ट रिव्यू है। मुझे इधर के चुल्लू कबाब बहुत मजे के लगे, एक शिकोई इस तरह से बड़ा मुश्किल सा नाम था, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आगे बताऊंगी। वो कबाब बहुत लजीज थे इनके, और ये मेरी खाली स्टिंग की बॉटल आपको बता रही है कि मैं सब खा चुकी हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में मज़ेदार से खाने के साथ, मज़े के एनवायरनमेंट एम्बियंस को एंजॉय करते हुए। देखते रहे मेरे चैनल को, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। बाय।